ये हमने पर्ची कटवा ली है, 200 रुपये की पर्ची कटी है। ये है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है लाहौल एट केलोंग। ये 200 रुपये की पर्ची है और 24 घंटे के लिए वैलिड है। हम यहाँ से 24 घंटे में कितनी बार यहाँ से आ जा सकते हैं। तो भाई अब पर्ची कटा ली है, चलते हैं आगे। शीशु का रास्ता भी ज़बरदस्त है भाई, व्यू तो इधर बहुत अच्छे अच्छे हैं यार। हम पहले क्यों नहीं आए इधर, इधर तो हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलो आगे, अभी अभी बहुत है। अच्छा इधर क्या, अच्छा भालू है इस एरिया में, दिक्कत होगा नदी में आ जाते होंगे। लाहौल में आपका स्वागत है, हम लाहौल में एंटर कर रहे हैं और हमारा स्वागत भी हो चुका है बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो ब्यूटी यहाँ पे जबरदस्त है भाई साहब। ये भी एक कैफे है यार, मुसाफिर वो है, हाँ रिजॉर्ट है, पर यहाँ पे अच्छा गाड़ी जाएगी। ये देखो अभी इन पहाड़ों पे सामने बर्फ वाले पहाड़ों पे जब धूप आ रही है ना, इतना चमक रहे हैं कि इनकी तरफ हम देख नहीं पा रहे हैं। और देखिए ये बीच में हम हेलीपैड पे आ गए हैं यहाँ पे शिशु के, और चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ व्यू ही व्यू है। तो आज कैंपिंग का सोच रहे हैं कि यहीं करें, लेकिन अभी देखते हैं एक और जगह है, अगर वहाँ पे बना तो हम, अभी वहाँ से कंफर्मेशन आना बाकी है, उनसे भी बात चल रही है। तो अगर या वैसे तो यहीं पे करने की सोच रहे हैं, अगर वो लोकेशन पर ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे बात बन गई तो वहाँ पे करेंगे। ये तो हमारे शैतान, देखो कभी ये प्यार से ऐसे बन जाते हैं भाई भाई, भाई भाई हैं, वो गंदा हुआ पड़ा है, और कभी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ये शिशु से हटके, ये शिशु से हटके थोड़ा हम जा रहे हैं। एक गांव है, कौन सा गांव है नहीं पता, एक बाहर से हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिरस, शिशुई है, जुंगलिंग। अच्छा अच्छा, ये गांव है जुंगलिंग गांव। यस, चल जाएगी ना पापा ऊपर? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से उसे पूछ लू, पक्की रोड पे आना ना, यहाँ करके खड़के भाई, चढ़ाई बहुत है रोड पे, एकदम हटके है तो बहुत दूर आ गया ऊपर, और अलग ही रोड है, और पता चला कि वहां पे जाके लास्ट में रोड जो है खत्म हो जाता है। अभी देखते हैं कैसे रहेगा, व्यू तो यहाँ से बहुत अच्छे आ रहे हैं, अब उनके पास ग्राउंड कैसा है कितना है वो देखना पड़ेगा। वहाँ पहुँच के आपको करते हैं, दिखाते हैं कैसा है, लोकेशन क्या है। व्यू तो जबरदस्त है भाई, चलो अभी वहीं पहुँच के दिखाते हैं। लो जी 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के हम पहुँचे हैं यहाँ पे जुगलिंग हाइट्स, जुगलिंग हाइट्स पे पहुँचे हैं। जुगलिंग हाइट्स होम स्टे है, और यहाँ पे आके ना रोड ख़त्म हो जाता है, इसके आगे रोड नहीं है, ये एक यहाँ पे डेड एंड है। तो यहाँ पे सोच रहे हैं अपना कैंपिंग सेटअप करना, लोकेशन तो ठीक लग रही है। ये देखिए पूरा व्यू एकदम ज़बरदस्त है, यहाँ से भी चारों तरफ का व्यू आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये इनका होम स्टे है, देखते हैं अभी आ रहे हैं यहाँ के ओनर जो हैं वो आ रहे हैं, उनसे भी फिर मिलेंगे आके, उनसे फिर बात करते हैं कैसे यहाँ पे कहाँ गाड़ी लगाने का कैसा रहेगा, जो भी है उनसे बात करके फिर आगे का करते हैं। ये देखो कितना प्यारा डॉगी है, ब्रूस इसका नाम है, ब्रूस, और बहुत फ्रेंडली है, हमसे आते ही फ्रेंडली हो गया। हाँ बहुत प्यारा, हाँ ब्लू आइज है इसकी, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। Thank you.
ये देखो आ गई है चाय। कितनी ये कैटल भी कितनी सुंदर है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है चाय से, इलायची की आ रही है। हाँ इलायची की काफी खुशबू आ रही है। बिल्कुल। तो भाइयों हवा बहुत तेज चल रही है क्योंकि हम बहुत टॉप पे हैं। इसे ऊपर ये देखे सामने का व्यू, क्या नज़ारा आ रहा है। सूरज की लाइट से बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसमें तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, आ रहा होगा हल्का सा यहाँ पे। ये बादल बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए ये लोग अपने खेतों में कैसे सिंचाई करते हैं। ये इन्होंने पाइप से चलाए हुए हैं स्प्रिंकलर, पानी का छिड़काव हो रहा है। ऐसे अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। ये इस रोड पे ये लास्ट विलेज है, यहाँ के ये रोड देखिए ख़त्म हो जाती है ये। और यहाँ का 360 व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी वेस्ट है, ठीक है, अभी हम वेस्ट टू ईस्ट आपको दिखाएंगे। वेस्ट से ईस्ट में ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, बर्फ से एकदम ढके हुए। और सामने अटल टनल है, यहीं से नजर आ रही है। ये वहाँ पे शिशु हेलीपैड है, वो दिख रहा है आपको, दिख रहा है। इसमें तो इतना जूम नहीं है तो नहीं दिख रहा होगा, पर व्यू यहाँ से पूरा जबरदस्त व्यू है। ये देखिए ये पहाड़ थोड़ा ग्रीन है यहाँ पे, इसमें घास है काफी, बर्फ पिघल रही है क्योंकि धूप ज्यादा आती है इसमें। ये देखिए फिर हम नहीं आगे, बहुत ही जबरदस्त व्यू है यहाँ से, कमाल का, मजा आ जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे गाय का पूरा चारा यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है देखिए, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, बारिश होती रहती है, बाहर तो खराब हो जाता है, तो इन्होंने पूरा चारा स्टोर करने का बनाया हुआ। और इन्होंने अपनी गाय के लिए जो है शेड भी पक्का बनाया हुआ है, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ से, इसके नीचे ही है। इसके अंदर है यहाँ पे, ये पूरा गाय का शेड है, यहाँ से गाय जाती है ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। और देखिए इनकी गाय भी फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, मजे हैं भाई। और ये हमारा निहित, हेलो गाइस, पापा चलो ना। किधर? हवा कम हो गई। किधर जाना? हवा कम हो गई। किधर जाना? हवा कम हो गई। अच्छा वो देखो आपका फ्रेंड आ गया। गुलदस्ता बना के लाइए चुन 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 के। हाँ वो हमारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए है, अब हमारा टाइम पूरा हो चुका। गिरोगे कुल में, पीछे गिरोगे। ऐसे सीन। थैंक यू जी, थैंक यू। अरे तुम पापा को। अच्छा लो जी, लो आप लो, लो। थैंक यू। ये